Assalamualaikum dear students, class है 12th unit है aldehydes की tools and carboxylic acid से और topic है आज का topic है that's Perkins reaction. Basically it is the last reaction of the aldehydes and the ketones with the dilute alkalis. Topic is that is Perkins reaction. रिएक्शन विद डाइल्यूट अल्कलीज में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, देन वी हैव क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, फिर हमने उसमें डिस्कस किया दैट इज द कलाइजियन शिमिडिस रिएक्शन और कलाइजियन रिएक्शन. आज का टॉपिक है दैट इज द परकिंस रिएक्शन. परकिंस रिएक्शन है क्या बेसिकली? परकिंस रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड सच एज द बेंजल्डिहाइड विद एसिड एनहाइड्राइडस इन प्रेजेंस ऑफ द सोडियम एसिडेट विच एक्ट्स एज अ बेस हियर एंड इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज फॉर्मड विच अपॉन हाइड्रोलिसिस रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज दैट इज कॉल्ड एज द परकिंस रिएक्शन. सो परकिंस रिएक्शन इज इट इज द रिएक्शन between an aromatic aldehyde mein generally hum lete hain benzaldehyde which do not possess the alpha hydrogen atom. अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम उसमें न हो एंड देन वी रिएक्ट इट विद एसिड एनहाइड्राइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं तो वहां पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर ऑफ ग्रेट सिंथेटिक यूटिलिटी. खाली एक ही प्रोडक्ट बनता है. अगर हम यूज करेंगे एल्डिहाइड्स दोज एल्डिहाइड्स विच पजेस द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स दे विल रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड्स लेकिन वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इजिली. सो हियर वी टेक द एरोमेटिक एल्डिहाइड विच डू नॉट पजेस द अल्फा हाइड्रोजन सच एज द बेंजल्डिहाइड reacts with an aromatic aldehyde between an aromatic aldehyde and an acid anhydride in presence of the salt of same acid which acts as a base forms a condensation product which upon hydrolysis gives alpha beta unsaturated carboxylic acid. So what is Perkins reaction? ये Perkins reaction क्या है? That it is simply a reaction, एक ऐसी reaction है which takes place between an aromatic aldehyde and acid anhydride in presence of the salt of the same base which acts as a base. तो फॉर्म एक कंडेंसेशन, वहां पर एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है. अगर हम इस कंडेंसेशन प्रोडक्ट को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इन नटशेल द परकिंस रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द परकिंस रिएक्शन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ वी टेक द एग्जांपल फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड. Reaction between the benzaldehyde and acid anhydride reaction hai between the benzaldehyde that is C6H5 CHO ya aise main likhungi CH double bond O. It will react with acid anhydride that is CH3 C double bond O O C double bond O CH3.
इन प्रेजेंस ऑफ द सोडियम एसीटेट, क्योंकि यहाँ जो ये एसिड एनहाइड्राइड है ये किससे बना है, फ्रॉम द एसिटिक एसिड, तो हम यहाँ पर इसका साल्ट लेंगे एसिटिक एसिड का, दैट सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, इट विल एक्ट एज अ बेस हियर। तो यहाँ पर एक पहले एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, ये ओ जो है ऑक्सीजन एटम, इट विल कम आउट विद द टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द दिस एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल, तो ऐसे बनेगा दैट इज सी सिक्स एच फाइव सी एच, ये मैं ऐसे आपको दिखाऊंगी बाद में इसका मैकेनिज्म कैसे है। यहाँ पर माइनस वाटर निकलेगा, सपोज इट इज एच टू सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, दिस इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अगर हम इस कंडेंसेशन प्रोडक्ट को अगर हम अब हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ एच प्लस एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ एच, तो ये जो है दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड। सो दिस इज परकिन्स रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन को बाहर निकाला, इट इज बेसिकली यहाँ पर पहले इनोलेट बनता है, दैट इनोलेट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन, फिर वहां से क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ऐसे मैकेनिज्म जो है इस रिएक्शन का, इट इज लाइक दिस, ये एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल जो है इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। हाउ इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट इज लाइक सपोज सी एच टू एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल। Now it will react with the base. यहाँ पर बेस कौन पार्ट एक्ट करता है, दैट इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव पार्ट, इट विल एक्ट एज अ बेस, दिस बेस इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन एंड हियर इट कम्स लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज बन गई सी एच टू नेगेटिव C double bond O O C double bond O CH3, this is a nucleophile, this acts as a nucleophile because CH2 it contains the negative charge, it will act as a nucleophile. Now this nucleophile it will react with an aldehyde CH3, sorry it is C6H5 benzaldehyde C6H5 C double bond OH। नाउ ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो किसको अटैक करेगा, कार्बन को अटैक करेगा लाइक दिस, एंड ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, द पाई बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम एंड इट फॉर्म्स सी सिक्स एच फाइव सी एच, इसका ये एच ओ नेगेटिव, यहाँ से सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस ओ नेगेटिव इट विल अट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द सॉल्वेंट फ्रॉम द वाटर या फ्रॉम द एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, एच पॉजिटिव फ्रॉम द एसिड, इट विल रिएक्ट विद दिस सी सिक्स एच फाइव ओ सी एच ओ एच एंड सी एच टू C double bond O O C double bond O CH3। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी CHH कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये OH बाहर निकलेगा इस H के साथ, माइनस वाटर बन गया, तो यहाँ पर बन गया C6H5 C double bond सॉरी इट इज CH double bond CH double bond CH C double bond O O C double bond O CH3। यही मैंने आपको पहले दिखाया कि यहाँ पर क्या बनता है, ये दो हाइड्रोजन एटम्स जो है C6H5 CH double bond O, ये दो हाइड्रोजन एटम्स जो है दे विल कम आउट विद द टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द
stick in hydride molecule. So this is the mechanism of the Perkins reaction. अब नक्शा में आपको क्या याद रखना है, this Perkins reaction जो है, it is a reaction between an aromatic aldehyde such as benzaldehyde with acid anhydride in presence of sodium acetate. तो वहाँ पर पहले एक condensation product बनता है, which upon hydrolysis results the formation of alpha beta unsaturated carboxylic acids. Such a reaction is called as the Perkins reaction. Now we have the another set of reaction falling under this category. First one was reaction with alkalis. Uska pehla set jo tha, that's reaction with dilute bases or alkalis. Ab jo reactions hai, that's reaction with concentrated bases or alkalis. Reaction with the reaction of aldehydes and ketones with concentrated alkalis. With concentrated alkalis, उसमें नंबर फर्स्ट रिएक्शन जो आती है, that's called as a Cannizzaro's reaction. See, Cannizzaro's reaction. अब Cannizzaro's reaction है क्या? ये एक ऐसी reaction है between the two aldehydes or between the two ketones which do not possess the alpha hydrogen atom. Aldol condensation में क्या था कि जो reaction with alkalis थी, dilute alkalis, वहाँ पर important point क्या था कि ये था कि जो aldehydes है या ketones जो है, उनमें necessary condition ये थी कि they should possess the alpha hydrogen atom. But in case of Cannizzaro's reaction, Cannizzaro's reaction एक ऐसी reaction है जहाँ पर जो aldehydes हम use करते हैं या ketones जो हम use करते हैं, they do not or they should not possess the alpha hydrogen atom. अगर हम उनको strong alkalis के साथ react करते हैं तो वहाँ पर disproportionation reaction हो जाती है. Disproportionation reaction का मतलब है कि self oxidation reduction reaction हो जाती है. एक molecule जो है aldehyde का, वो oxidize होता है into carboxylic acid and दूसरा molecule जो होता है aldehyde का या ketone का, which do not possess the hydrogen atom, that gets reduced to the alcohols. That reaction is called as the Cannizzaro's reaction. So Cannizzaro's reaction is a disproportionation reaction or self oxidation reduction reaction between the two aldehydes or between the two ketones which do not possess the alpha hydrogen atom. Result is the formation of the these carboxylic acids and the alcohols. And this reaction is called as the Cannizzaro's reaction. So Cannizzaro's reaction, it is the reaction between, it is the reaction between, it is the reaction between two aldehyde molecules or two ketone molecules, same aldehyde molecules or two same ketone molecules which do not possess alpha hydrogen atom undergoes reaction with strong alkalis, undergoes reaction with strong alkalis, yields, yeah, it is the reaction between the two aldehyde molecules or two ketone molecules which do not possess alpha hydrogen atom, undergoes reaction with strong alkalis yields a carboxylic acid and an alcohol. This is called a disproportionation reaction.
डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, वो रिएक्शन जहां पर क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड. सेल्फ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन that is self oxidation reduction takes place here, one molecule is oxidized by at the cost of the other molecule which gets reduced to alcohol, that is self oxidation reduction takes place in which self oxidation reduction takes place in which one molecule gets oxidized to carboxylic acid while as other is reduced to alcohol. For example, those aldehydes or those ketones which do not, वो aldehyde और या वो ketone जिनमें alpha hydrogen atom नहीं होता है, अगर हम उनकी reaction कराएंगे with concentrated alkalis, तो वहां पर क्या होता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस. एक मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड का दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाइल एज अदर मॉलिक्यूल जो होता है दैट गेट्स रिड्यूस्ड टू अल्कोहल. सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज द कैनजोर्स रिएक्शन. अब हम एग्जांपल लेंगे, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन द टू फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जो है इज एन एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट पजेस द अल्फा हाइड्रोजन एटम. इसी तरह से हम रिएक्शन दिखा सकते हैं बिटवीन द टू बेंजोल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, उसमें भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट नहीं है. सो वी हैव एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इट विल रिएक्ट विद अनदर फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड इट गिव्स अस CH3OH अल्कोहल प्लस एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ई. एक तो है अल्कोहल बन गया एंड दूसरा जो है दैट इज द एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ द सॉल्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड इज सोडियम फॉर्मेट इज हियर फॉर्म दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज द अल्कोहल इज फॉर्मेथनॉल इज फॉर्मर. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द कैनजोर्स रिएक्शन. इसी तरह से हम दूसरी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज द C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ एच. अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे विद अनदर द बेंजोल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इट गेट्स कॉमन molecule in presence of the strong concentrated alkali that sodium hydroxide. यहाँ पर भी benzyl alcohol बनता है C6H5CH2OH benzyl alcohol and sodium benzoate C6H5C double bond OONe. एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है. एक मॉलिक्यूल जो हमें पता ही है कि एल्डिहाइड जो होते हैं, अगर हम उनको रिड्यूस कराएंगे तो वो दे गेट रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स, अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो दे गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स ली है, दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड एंड द बेंजोल्डिहाइड मॉलिक्यूल. फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, दो फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हमने लिए, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. Reaction with concentrated alkali results the formation of alcohol and the carboxylic acid. Similarly, we have the benzaldehyde, two benzaldehyde molecules. Reaction with concentrated alkali results the formation of the benzyl alcohol and the sodium benzoate. अब इस reaction का mechanism हम थोड़ा सा discuss करेंगे. Mechanism of this reaction. How the reaction takes place. Mechanism. मैकेनिज्म में क्या है कि सबसे पहले हम ये फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज दियर, इसकी रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड अल्कली.
अब ये अल्कली है और दिस एक्ट एज अ बेस, इट विल अटैक द व्हाट कार्बन, इट इज दिस पॉजिटिवली चार्ज पोलराइजर बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओ इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन पर जो चार्ज होते हैं दैट इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पर चार्ज होते हैं दैट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हियर द बेस कम्स इट विल अटैक और इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इट विल अटैक द कार्बन एंड हियर इट कम्स लाइक दिस एंड इट गिव्स अस एच सी ओ we have here that is the sodium hydroxide NaOH it is positive here we have OH H and sodium jo hai it is negatively charged sodium iske paas chala jayega like this to yahan par ye species ban gayi sodium hydroxide humne add kiya first benzaldehyde formaldehyde molecule to ye product ban gaya yahan pe एंड दिस अपॉन रिएक्शन अब इसको दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है दैट इज द एच सी डबल बॉन्ड ओ एच फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या होता है कि दिस हाइड्रोजन आयन शिफ्ट होता है लाइक दिस और यो जो बॉन्ड है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द सोडियम इट गेट्स ट्रांसफर लाइक दिस and this compound it becomes H C double bond O ab ye hydrogen bahar chala gaya yahan aa gaya and there is OH this is the formic acid is formed plus ye hydrogen atom carbon is par oxygen oxygen par negative charge kyunki ye yahan aa gaya to hydrogen atom iske sath carbon ke sath and here you have the sodium now there is the shift of yeah rearrangement of H positive sodium yahan aayega aur hydrogen yahan chala jayega that is H C double bond O O Na plus CH3OH this is the mechanism of the reaction jo mechanism of the reaction mein humne discuss kiya how the reaction takes place reaction it takes place like this we have the one formaldehyde molecule it will react with the sodium hydroxide that's concentrated alkali it results the formation of a kind of an addition product yahan par simply ye add hota hai sodium hydroxide add hota hai to those reaction where simply the reagent it gets added the product is called a addition product to yahan par addition product ban jata hai that addition product will react with another aldehyde molecule तो यहाँ पर दूसरे स्टेप में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज द हाइड्राइड आयन शिफ्ट यहाँ पर मैं लिखूंगी हाइड्राइड एच नेगेटिव आयन शिफ्ट और ट्रांसफर टेक्स प्लेस हाइड्रोजन आयन दिस इज हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन शिफ्ट टेक्स प्लेस और ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम द एडिशन प्रोडक्ट इनटू द अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल then there is rearrangement of H positive and it gives us the carboxylic acid sodium salt of the sodium formate and the methanol is formed such a reaction is called as the Cannizzaro's reaction so Cannizzaro's reaction hai kya it is the reaction between the two aldehyde molecules which do not possess the alpha hydrogen atom in presence of concentrated alkali result is the formation of the carboxylic acid and an alcohol this reaction is called a disproportionation reaction where one molecule gets oxidized at the cost of the other which gets reduced to alcohol such a reaction is called as the Cannizzaro's reaction inshallah in the next video lecture we will go through the cross Cannizzaro's reaction thank you so much